आज तक आपने राष्ट्रीय शर्म शब्द सुना था, लेकिन अब कुछ घटनाएं हुई हैं जो हमें अंतर्राष्ट्रीय शर्म के दायरे में लाती हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन अभी पिछले एक दो दिनों से कुछ घटनाएं सोशल मीडिया पर शायद आप लोगों तक नहीं पहुंची होगी। अब अगर आप गोदी मीडिया के भरोसे हैं तब तो कभी पहुँचेगी भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में, ये जो वीडियो है ये यूनाइटेड किंगडम का है, यानी यूके का है। वहाँ पर क्लस्टर नाम का एक शहर है। बताया जा रहा है कि कुछ मुसलमान प्रेयर कर रहे थे और उसी बीच आरएसएस से संबंधित कुछ लोग, हिंदू कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के लोग वहाँ पर धार्मिक नारे लगा रहे थे, यानी कि मुसलमानों को भड़काने का, उनका विरोध करने का प्रयास कर रहे थे और इस तरह के क्लैशेस वहाँ पर हुए। वहाँ के लोगों का कहना है, वीडियो के माध्यम से जो पता चला है, मैं वहाँ गया नहीं था, वहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि यूके में इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है हिंदू संगठनों द्वारा। अब सोचिए ये कितने बड़े अंतर्राष्ट्रीय शर्म की बात है। कुछ लोगों ने ट्विटर पर यह भी लिखा है, लिखने की भाषा पर ज़रा गौर करिएगा, आपको भी शायद शर्म आए सुन के। वहाँ पर लिखा गया है कि हिंदुस्तान की बीमारी अब यूके में फैलने लगी है। हिंदुस्तान की बीमारी, यानी दुनिया भर में ये बात हो रही है कि हिंदुस्तान में एक बीमारी फैल चुकी है जिसका नाम है धार्मिक उन्माद, कट्टरपंथ। कट्टरपंथ शब्द का मतलब आप जानते होंगे। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में जिस तरह से धार्मिक असहिष्णुता फैली है, उसको देखकर पूरी दुनिया में वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। सोचिए यूके में जो लोग वहाँ रह रहे होंगे, यानी कि जो हिंदुस्तान से या फिर किसी भी और देश से गए होंगे, जाहिर सी बात है वो अनपढ़ गंवार तो नहीं होंगे। अब पढ़े लिखे लोगों के बीच उनके मन में अगर धर्म को लेकर इस तरह से कट्टरपंथ भर चुका है तो फिर देश का, हमारे देश का क्या हाल होने वाला है और हम कहाँ पहुँच चुके हैं, कितने गर्त में जा चुके हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। आप इन वीडियोस में देखिए, लगातार ट्विटर पे और फेसबुक पे तो कम मिलता है, ट्विटर पे लगातार इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं और दुनिया भर में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है ये कह के कि हिंदुस्तान की बीमारी अब दुनिया में फैल रही है। तो हिंदुस्तान में वो बीमारी किसने फैलाई है? और आज ही आपको बता दें कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीवी चैनल जो है वो हिंसा या फिर द्वेष फैलाने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, इन पर लगाम लगाई जानी चाहिए। सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, हमारी पुलिस को पता है, हमारी सरकार को पता है, सरकार को तो पता होगा ही, और सारे राजनीतिक दलों को भी पता है। शायद इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा कोई कर रहा है और कोई उसको बदनाम करने की कोशिश भी कर रहा है। सब कुछ चल रहा है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब देश बचेगा तब तो राजनीति करोगे। देश को बचाने के लिए आपको सभी लोगों को जोड़कर एक साथ लेकर चलना होगा। हालांकि सीटें जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए बांटना ज़रूरी होता है और इसी फॉर्मूले पर पिछले कई सालों से देश की राजनीति चल रही है। लोगों को आपस में बांटो, हजार दो हजार मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मरने दो, सरकार बननी चाहिए। लेकिन किसे पता था कि ये जो घरेलू राजनीति है ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम खराब करेगी। हालांकि जो चिंतक थे वो शुरुआत से ही कह रहे थे कि दुनिया भर में हमारी बदनामी होगी, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन उस वक्त उनको क्या कहा गया आपको मालूम है? अर्बन नक्सल, जो लोग भी बुरी चीज़ों को, सरकार की गलत कदमों को और इस कट्टरपंथ को, इनकी खिलाफत करते थे, उन सबको अर्बन नक्सल कहा जाता था, कहा जाता है अभी भी। और इस तरह के तमाम लोग हैं जिनको अंदर किया गया है, अंदर का मतलब जेल में। तो आप सब ने देखा किस तरह से देश को बांटने का जो कार्यक्रम चला है वो अब यूके तक पहुंच चुका है। आप इन वीडियोस में लगातार देख रहे हैं और अब मैं चाहूँगा कि आवाज़ के साथ आप देखिए कि किस तरह से जगह जगह चर्चा हो रही है और हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। How is possible? 500,000 people. You never ask question to Pakistan. 13%. I would now 2%. Pakistan. In India, there are Muslims. 21%. Muslims are 21% in Pakistan. 2%. What are you talking about? The humanity of world. Why don't you go and ask them? I'm here to talk about Indian community. No, we don't want to talk about it. Don't talk to the. Och han får ha det nu!
How we say Lahore, where we see they've got their own chant. What, and they're allowed to do this? This is for the guys from outside Leicester who said this is just a small minority of Hindu Twi extremists. The small minority who have this hate ideology against Muslims and minorities. This is a small minority. Look what's happening. Nothing's edited. You can see exactly what's happening. They're coming here trying to come for the Muslims. And then they play victim afterwards online. Then the international media, they suck it all up and say it's the poor Muslims, it's the poor Hindus. Yeah, and here they are. They're trying to give it to us. Yeah, but look what they do on the other side. और एक बात जरूर बताइएगा कि इस बदनामी का जिम्मेदार कौन है, कौन है जिसने देश को पहुंचाना कहीं और था और पहुंचा कहीं और दिया। ये बड़े ही शर्म की बात है। पिछले 2-3 दिनों से जब से मैंने ये सुना है और ट्विटर पे जब से मैंने देखा है कि भारत की बीमारी, तो तब से ये बात मेरे मन में खटक रही थी कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। वो लोग शायद गलत नहीं हैं जो हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, और आपको बता दें इसमें अक्षय कुमार भी शामिल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखिए किस तरह से दुनिया भर में भारत बदनाम हो रहा है। हमारी सरकार को इस पर बयान जारी करते हुए जो भी संभव कदम हो उसे तत्काल प्रभाव से उठाना चाहिए ताकि दुनिया भर में हमारी बदनामी न हो। हिंदुस्तान में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।